असलम गायज़ वेलकम टू एन एम फूड आज हमारे डिश का नाम है फिश हेड करी मतलब सीरी कंडे। एक पैन लेंगे उसमें हाफ कप ऑयल डालेंगे एक प्याज डालेंगे इसमें ये मैंने छोटा प्याज लिया था इसको गोल लाइट ब्राउन होने तक बनाएंगे इसको पकाएंगे, फ्राई करेंगे इसको ये लाइट ब्राउन हो गया अब इसको निकाल लेंगे अब हम इसकी पेस्ट बनाएंगे दही में डाल के टमाटर और हरी मिर्चों के साथ जो ग्रेवी में यूज़ होगा ये एक मछली का सिरे कंडे था इसको अब हम फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे ये बनाने के लिए आपको वैसे सिल्वर का कोई भी बर्तन ले लें मैंने ये लिया था इससे बार बार चिपक रहा था नीचे तो ये बर्तन ठीक नहीं है पकाने के लिए सिल्वर का बर्तन लें वो बेस्ट है ऐसे खाने के लिए इसकी अच्छी तरह बनाई करें लाइट ब्राउन होने तक गाइस आज मैंने काफ़ी दिनों बाद वॉइस अपनी रिकॉर्ड की है कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी अब हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च वन फोर टी स्पून हल्दी वन टी स्पून लाल मिर्च वन टी स्पून धनिया पाउडर एक बेलिव है ये सिनेमन स्टिक है ज़ीरा और काली मिर्चें हैं जितने भी आपके पास साबुत गरम मसाला पड़ा है सब डाल दें इसमें <laughs> इसकी जितनी अच्छी बनाई करेंगे मसाले में उतना ही इस इसका शोरबे का अच्छा टेस्ट आएगा और मछली की जो स्मेल है वो भी नहीं आएगी मैंने वैसे मछली को जो था अच्छे से धो लिया था ये हाफ़ टी स्पून हाफ कप योगर्ट है एक टमाटर है और जो मैंने प्याज शुरू में ब्राउन किए थे वो डाल के और तीन सबज़ लाल मिर्ची डाल के मैंने ये पेस्ट बनाई है ये इसमें डालेंगे यहाँ की मछली दही थोड़ी गाढ़ी है जिसकी वजह से ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है लेकिन जो पाकिस्तान में है वो आप हाफ कप जो है वो बेस्ट होगी इसके अच्छी तरह दही में बुनाई करें अब इसको पाँच मिनट के लिए पकने के लिए रख दें पाँच मिनट बाद हम इसको देखेंगे घी का ऊपर आ चुका है इसकी दो मिनट तक फिर बुनाई करेंगे मछली के जो सीरी थे उसको मैंने नमक लगा के रख दिया था फिर उसके बाद उसको मैंने सिरका में धोया फिर आटा आटा लगाया फिर उसके साथ अच्छी तरह मैंने इसको वॉश किया ज़रा भी स्मेल नहीं थी इसके अंदर अब दो कप इसमें गर्म पानी डालेंगे गर्म पानी डालने से ये होता है कि आपका कोई भी सालन या गोश्त है वो डो नहीं मतलब डोल नहीं होता डोल मतलब दस मिनट तक इसको फिर कुक करने के लिए रख देंगे अब हम इसको डिश के अंदर डिश आउट करेंगे शोरबे में देखिए कितनी अच्छी तरी आ गई है अब इसमें गरम मसाला डालेंगे वन पिंच और कुछ धनिया डालेंगे इसको चावलों के साथ सर्व करें और एंजॉय करें मज़ेदार सीरी कंडे का शोरबा। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैलो के साथ थैंक यू अल्लाह हाफिज़